सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शुभम, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, मैं फिर से आज जो बेहद ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियोस के साथ। तो दोस्तों, जब आप कभी अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं और उस वेबसाइट पे थोड़ा बहुत काम करने के बाद में आप सोचते हैं कि मैं अपने वेबसाइट को मोनिटाइज कैसे करूं, तब आपके दिमाग में आइडिया आता है एडसेंस का। तो आप अपने वेबसाइट पे एड्स को लगाने के लिए वहां पे एडसेंस पे जाकर रिव्यू में डालते हैं अपनी वेबसाइट को, और एडसेंस से जो कोड मिलता है वो आप अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करते हैं। और वहां पर जब वो आपकी वेबसाइट वहां पर रिव्यू के लिए जाती है तो वहां पे एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है आपकी वेबसाइट को, और आपकी वेबसाइट पे वहां पे एड्स नहीं चलाए जाते हैं, ना ही आप अपनी वेबसाइट से कुछ पैसे कमा नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि एडसेंस हमको तुरंत अप्रूवल दे दे और हमारी वेबसाइट में तुरंत ऐड लगा कर हम पैसे कमा सकें। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट देख लिया, 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी वेबसाइट हो, आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एडसेंस की कुछ पॉलिसीज होती है। अगर आप उन पॉलिसीज को ध्यान नहीं रखेंगे तो एडसेंस आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा अपने एड्स को लगाने के लिए। ये चाहे एडसेंस हो या फिर कोई अदर कंपनी हो एडवर्टाइजमेंट की, वो हर कोई अपने एडवर्टाइजर्स को देख के चलती है कि हमारे एडवर्टाइजर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपकी वेबसाइट से। तो वहां पे जो मैं आपको ये तरीके बताने वाला हूँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने वाला हूँ, अगर ये अप्लाई करते हैं आप अपनी वेबसाइट पे और ये शर्तें आपकी जो वेबसाइट मानती है ये सब चीजें आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो 100% आपके 2 दिन के अंदर आपको मोनिटाइजेशन हो जाएगा आपकी वेबसाइट का और एडसेंस की तरफ तुरंत अप्रूव मिल जाएगा। एडसेंस का किसी का बाप भी आपकी वेबसाइट को मोनिटाइज होने से नहीं रोक सकता है, मैं आपको 100% ये लिखकर दे सकता हूँ। बस मैं आज की वीडियो में जो जो बता रहा हूँ उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी आपकी कोई भी वेबसाइट हो आराम से मोनेटाइज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट्स कलेक्ट किया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने खुद से समझा प्लस इंटरनेट से अभी तक मैं जितना पढ़ रहा हूँ जितना देख रहा हूँ सब जगह मैंने अनुभव किया, और प्लस मैंने जानकारी निकालने के आधार पर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जो कि एडसेंस मांगता है आपकी वेबसाइट पे होने अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट पूरे नोट करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा प्लस पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि पॉइंट्स मैंने क्यों आपको ये बताए हैं, ये ऐसा क्यों होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर कोई फ्री डोमेन न यूज करें या फिर कोई सब डोमेन न यूज करें। जैसे कि आपकी कोई ब्लॉगर की वेबसाइट है तो आप देखते होंगे कि वहां पर फ्री सब डोमेन मिल जाता है blogspot.com, या फिर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो wordpress.com। तो आपको लास्ट में अपना खुद का डोमेन होना चाहिए, जैसे .com, .in, .net, ऐसे करके अपने खुद की डोमेन आपको परचेस करना है, तभी आपकी वेबसाइट पे एड्स आएंगी। क्योंकि एडसेंस की एक पॉलिसी में यह भी कहा गया कि अगर आपकी खुद की मतलब डोमेन नेम होगा, खुद की वेबसाइट का वहां पर रजिस्टर्ड होगा, तभी आप पैसे कमा सकते हैं, अन्यथा आप फ्री वेबसाइट पे पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा आपको यहां ध्यान रखना है कि आपको जो आप डोमेन खरीदते हैं वहां पे आपको खुद का एक डोमेन खरीदना है, परचेस करना है, फ्री के चक्कर में नहीं रहना है, और ना ही कोई ऐसे डोमेन लेना है .ga.co.ke, ऐसे में भी नहीं लेना है, वहां पे आपको खुद के .com.in.net ऐसे आपको डोमेन लेने हैं। सेकेंड पॉइंट है कि होस्टिंग में अभी आपको ध्यान देना कि एक अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि एडसेंस ये चीज सोचता है कि वहां पर जो एडवर्टाइजर्स के एड्स चलेंगे और आपका जो सोर्स होगा, इसके चक्कर में कहीं होस्टिंग डाउन ना हो जाए और वहां पर एड्स लगाने का फिर कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आपको होस्टिंग में कहीं अच्छी जगह से परचेस करनी होगी, चाहे गोडेडी से ले लीजिए या फिर कहीं पर होस्टिंग रिंग से ले लीजिए, एक होस्टिंग किंग से ले लीजिए, कहीं पर भी बहुत सी आती है वेबसाइट जहाँ आपको अच्छी अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड कराती है कम पैसों में। एक होस्टिंगर है, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको तो अच्छी खासी होस्टिंग मिल जाती है कम पैसों पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से होस्टिंग ले रहे हैं, पर एक अच्छी होस्टिंग लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले समय में जब आपकी वेबसाइट पर सोर्स आए तो वहां पर डाउन ना हो। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, आपने कुछ वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जो कि फ्री होती है, उसमें ना डोमेन परचेस किया जाता है ना होस्टिंग परचेस किया जाता है, फिर भी एड्स चल रहे होते हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ऐसा कैसे होता है। तो दोस्तों, अब चलता हूं सेकंड पॉइंट की तरफ। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि HTTP और HTTPS में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपकी वेबसाइट हमेशा HTTPS होनी चाहिए, तभी वहां पर 100% ये चीज तो 100% एडसेंस अप्रूव नहीं करेगा कि अगर आपकी वेबसाइट पे HTTP है। अभी होता है क्या, मैं आपको बता दूं, HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, और HTTPS का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आपकी वेबसाइट में जैसे कोई लॉगिन का आपने सिस्टम डाला हुआ है या फिर कोई भी प्रकार का डाटा आप कलेक्ट करते हो, तो यहाँ से सर्वर के बीच में जाने पर डिक्रिप्ट इंक्रिप्ट हो जाता है अगर आपके HTTPS वाली वेबसाइट है। तो यहाँ पर एडसेंस उन्हीं वेबसाइट को एड्स लगाता है जिन पर HTTPS होता है, क्योंकि आजकल एडसेंस बहुत ज्यादा सिक्योर हो चुका है, बहुत ज्यादा होशियार हो चुका है, वो बहुत कम वेबसाइट को अप्रूव देता है, वही वेबसाइट को
देता है जो पूरी तरीके सिक्योर होती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट HTTPS से सिक्योर हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि HTTPS से सिक्योर कैसे करना है अपनी वेबसाइट को, तो आप YouTube पर देख सकते हैं कि अपनी वेबसाइट में HTTPS कैसे लगवाएं, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। या फिर मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, क्लाउड फ्लेयर नाम की एक वेबसाइट है जहां पर आप HTTPS अपनी वेबसाइट पर करवा सकते हैं HTTP से, तो वहां पर आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। फिर वहां पर जल्दी कोई भी हैकर या फिर कोई मॉलवेयर आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज चलता हूं नंबर 3 पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट में है कि आपकी जब वेबसाइट पूरी तैयार हो जाए तो वहां पे अपने अपनी साइट को आपको अच्छे से SEO करना होगा। SEO का अर्थ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जब आप SEO कर लेंगे तो वहां पे आपकी जो वेबसाइट है गूगल के पेज पर रैंक करेगी, और वहां पे जो भी सोर्स आएगा तो आपकी वेबसाइट पे आएगा। मान लीजिए आप कोई कंटेंट डालते हैं तो वहां पे आपके रैंक करेगी, तो अभी जाकर वहां पर सोर्स दिया जाएगा आपकी वेबसाइट पे। अगर आप SEO नहीं कराते तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है, और फिर जब कोई सोर्स नहीं आएगा तो एड्स चला के आप क्या कर लेंगे, क्योंकि एड्स जब चलाएंगे जब सोर्स होगा और तभी आप पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट जब अच्छी खासी बन जाती है तो आप SEO करवाइए, या आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको इस चीज में नॉलेज है। तो जब अच्छे से SEO हो जाए तब आप जाकर वहां पे अप्लाई कीजिएगा एडसेंस में। अब चलते हैं दोस्तों 4th पॉइंट की तरफ। तो 4th पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपके अगर देखिए वेबसाइट ब्लॉग से रिलेटेड है, आप वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करते हैं या फिर आपकी वेबसाइट पे आप आर्टिकल डालते हैं, तो यहाँ पे कम से कम जब आप अप्रूवल लेने जा रहे हैं एडसेंस से, तो उससे पहले आपके कम से कम 25 से 30 ब्लॉग पड़े होने चाहिए आपकी वेबसाइट पे। ब्लॉग का मतलब होता है जो जानकारी दी जाती है लिखित में उसको ब्लॉग कहते हैं। तो वहाँ पर कम से कम 25-30 ब्लॉग आप ऑलरेडी वहाँ पे पोस्ट कर चुके हों, क्योंकि वहाँ पर जब अप्रूव करने के लिए आप डालते हैं एडसेंस पे तो आप रिव्यू करता है आपकी वेबसाइट पे कि इस वेबसाइट पे कितना कंटेंट अवेलेबल है और कितना सोर्स आता है। बहुत से लोग तो कुछ डालते ही नहीं, ऐसे ले जाकर वहाँ पर पटक देते हैं एडसेंस पे कि मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए वेबसाइट की। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वहाँ पर जब वो चेक करेगा तो देखेगा कि आपने कितनी इस पर मेहनत की है, कितना आपने कंटेंट डाला है, और कंटेंट नहीं डालेंगे तो सोर्स नहीं आएगा, सोर्स नहीं आएगा तो वहां पे एडसेंस आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करेगा। तो दोस्तों कम से कम यहाँ पे आपको 25 से 30 आर्टिकल डालिए अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस से रिलेटेड है या फिर ब्लॉग से रिलेटेड है, तो कम से कम 25-30 ब्लॉग डालिए। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, आप सबकी तरीके घिसा पिटा वहां पे मत डालिएगा, कुछ यूनिक करने की कोशिश कीजिए, कुछ यूनिक लिखिए। जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना अच्छा आप यूनिक उसमें सिस्टम डालेंगे, जितना आप उसमें गंभीरता से लिखेंगे उतना ही जल्दी आपको वहां पे अप्रूवल मिलेगा। तो आप जब यूनिक ब्लॉग कोई बनाएंगे तो वहां पे सोर्स भी आएगा, क्योंकि आपने SEO करा रखा है, और सोर्स आएगा तो बहुत जल्दी आपके एडसेंस आप वहां पे अप्रूव कर देगा। तो दोस्तों मैं यहां पे बता दूं, बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि दूसरे का ब्लॉग पोस्ट कर देते हैं, मतलब वहां से जो लिखा हुआ है उसको कॉपी किया यहां पेस्ट कर दिया। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, आपको खुद से लिखना है, खुद से वहां पे इमेजेस पोस्ट करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो वहां पे कॉपीराइट के तहत आपका कभी भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पे 25-30 ब्लॉग आपको कम से कम डालने हैं। अब चलता हूं मैं आपके 5वें पॉइंट की तरफ। तो आपको यहां पे देखिए कम से कम यहां पे साइट में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सोर्स आना चाहिए साइट में। जैसा कि मैंने कहा SEO करा लीजिएगा तो SEO से सोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप अच्छे अच्छे ब्लॉग डालेंगे, अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखेंगे तो वहाँ पे यूनिक आर्टिकल पढ़ने के लिए सोर्स आएगा। सोर्स का मतलब होता है जो लोग पीपल्स आते हैं चाहिए देखने के लिए। तो वहाँ पर जब सोर्स थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो जाए तब जाकर एडसेंस पे वहाँ पे आप देना अप्रूवल के लिए। ऐसे आप दे दोगे तो वहाँ पे नहीं होगा, पूछिए क्यों, क्योंकि एडसेंस भी सोचता है जहाँ पे सोर्स होगा वहाँ एडसेंस तुरंत ऐड चला देगा, क्योंकि एडसेंस को चाहिए क्या, लोग जिसको वो एड्स दिखा सके। और अगर आपके वेबसाइट पे जब लोग नहीं है देखने के लिए तो वो क्यों अपने एड्स आपकी वेबसाइट पे चलाएगा। और अगर ऑलरेडी आपके यहाँ काफी सोर्स आता है वेबसाइट पे तो तुरंत वहां पे एड्स चल जाएगा, फिर बाकी आपकी वेबसाइट में कुछ हो या ना हो। तो आप चलते हैं 6वें पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे एक देखिए आपको ये मेन चीज आप कोई शायद ना बताता हूं, मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो वहां पे आप जैसे सब पेज बनाते हैं, एक होम पेज, टेक पेज, ऐसे पेज बनाते हैं, तो वहां पे एक पेज बनवाइए प्राइवेट पॉलिसी का, और उस पेज में आपको अपनी पूरी प्राइवेट पॉलिसी लिख देनी है। अगर आपको प्राइवेट पॉलिसी लिखना नहीं आता तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको बता दिया जाएगा प्राइवेट पॉलिसी पेज कैसे बनाते हैं या फिर प्राइवेट पॉलिसी कैसे लिखते हैं। तो आप टोटली आपको सारी प्राइवेट पॉलिसी अपने लिख देनी है, क्योंकि एडसेंस जब चेक करता है तो वहां पर यह चीज बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि प्राइवेट पॉलिसी का पेज इसमें दिया गया है या फिर नहीं। इससे आपकी साइट का यह पता चलता है कि ये साइट जेन्युइन साइट है, और यहाँ पे प्राइवेट इनकी जितनी भी पॉलिसी यहाँ पे सब बताया गया है। इससे आपकी साइट में अप्रूवल जल्दी मिल जाता है दोस्तों।
दोस्तों, तो ये जो 6 पॉइंट अगर आपने इन्होंने बिल्कुल दिमाग में बैठा लिए हैं, आप इस 6 पॉइंट को अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं तो 100% कोई रोक नहीं सकता आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होने से। तो दोस्तों मैंने ये 6 पॉइंट बहुत ही छाट कर निकाले हैं और ये 100% वर्क करते हैं दोस्तों। आप कहीं पर भी, चाहे यूट्यूब पर कितने भी वीडियो देख लीजिएगा, ये 6 पॉइंट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कुछ लोगों की तो जो फ्री वेबसाइट होती है उन पर भी एड्स चल रहे होते हैं, तो उनके पास सोर्स बहुत आ रहा होता है। वो जो वहाँ पे ब्लॉग और जो आर्टिकल डाल रहे होते हैं उनका इतना यूनिक होता है कि इतना ज्यादा सोर्स आ जाता है कि एडसेंस को मजबूरन वहाँ पे एड्स चलाने पड़ते हैं, क्योंकि एडसेंस चाहता क्या है लोग, और वहाँ पे इतने सारे ऑलरेडी सोर्स आ रहा है तो वहाँ पे एड्स चला देता है, क्योंकि उसको कोई ये फर्क नहीं पड़ता है कि डोमेन नेम इनका कैसा है या फिर कैसा है, और होस्टिंग पे भी उतना ध्यान नहीं देता, बस वो सोर्स पे ज्यादा ध्यान देता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है डोमेन नेम खरीदने के या फिर होस्टिंग खरीदने के, तो फिर आप अपने ब्लॉग और आर्टिकल में ज्यादा मेहनत करिएगा। अगर आपके सोर्स ज्यादा आता है तो फिर एक बार चांसेस बन सकते हैं आपकी साइट को अप्रूवल मिलने के लिए, भले फिर आप फ्री वेबसाइट यूज करते हो। तो दोस्तों इतना मैंने बता दिया, यहाँ पर कुछ पॉइंट जो मैंने बताए थे उनको ध्यान रखना होगा। HTTPS होना चाहिए, प्राइवेट पॉलिसी का पेज आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, और यहाँ पे आपको अच्छे से SEO करा लेना है, कंटेंट पे ध्यान देना है। ये सब चीजें जब आप ध्यान देंगे तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे जब आप डालेंगे जाके कोड अपनी वेबसाइट पर और वहाँ पर रिव्यू के लिए भेजेंगे एडसेंस पे, तो वहाँ पे आपकी बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा मुश्किल से 2 दिन के अंदर, और अच्छे खासे एड्स जिंदगी भर के लिए आप चलाते रहेंगे और पैसे कमाते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको कुछ न समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो बस फ्रेंड्स यही तो यार वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।